भारत के अधिकतर राज्यों में पाया जाने वाला यह पौधा बहुत उपयोगी है। इसका सही लाभ लेने के लिए इसकी सही मात्रा के बारे में मालूम होना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक थुहर या सेहुन का यह पौधा, इसका उपयोग 20 ml से लेकर 40 ml तक लें। थुहर या सेहुन स्वाद में कड़वा होता है। इसके निम्न फायदे हैं। गठिया एक तरह का अर्थराइटिस है जिसमें जोड़ों में अचानक इन्फ्लामेशन महसूस होता है। विशेषकर देखा गया है कि यह सूजन किसी एक ज्वाइंट से शुरू होती है और ज्वाइंट से शुरू हुए दर्द जोड़ों को प्रभावित करता है। जोड़ों के दर्द की इस परेशानी से निपटने के लिए सेहुन लाभदायक है। इस समस्या से निपटने के लिए सेहुन के तने से बने काढ़े का सेवन कर सकते हैं। इसकी मात्रा 20 से 40 ml हो सकती है। कान दर्द को ठीक करता है। सेहुन एक आयुर्वेदिक औषधि है। यह शरीर में छोटे और बड़े रोगों को लेकर तांत्रिका विकारों तक की संबंधित समस्याओं में लाभकारी है। कान में दर्द कहने को बहुत छोटी सी परेशानी है, लेकिन जिस व्यक्ति के कान में दर्द शुरू होता है वह दर्द से बेचैन हो जाता है। कई बार डॉक्टर के पास जाने की परिस्थितियाँ बन जाती हैं। ऐसे में कान दर्द का इलाज में सेहुन फायदा करता है। जी हाँ, इसके लिए आप सेहुन की शाखाओं का रस निकालकर 1 से 2 बूंद कान में डालें। इसमें कान के दर्द में आराम मिलेगा। आप किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग भी कर सकते हैं डॉक्टरों से पूछकर। पेट के रोगों में भी लाभकारी होता है। सेहुन का प्रयोग पेट के रोग के लिए अच्छा है। बदहजमी, गैस, अपच व पेट में कीड़े आदि परेशानियाँ, पेट से जुड़ी इन परेशानियों से निपटने के लिए सेहुन बहुत लाभकारी है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हों तो सेहुन को हींग के साथ पीस कर पेट पर बांधने से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। आयुर्वेद में पेट की गैस से निजात पाने के लिए पेट पर मिट्टी की पट्टी बांधी जाती है। इसी तरह से सेहुन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका पेट फूल रहा है या गैस बन रही हो तो सेहुन की जड़ का रस सेवन किया जा सकता है। इससे गैस, अपच और पेट फूलने में आराम मिलेगा। तांत्रिका रोगों में सेहुन का प्रयोग किया जाता है। इसमें बेल्स, पसली, फूलने की बीमारी, सेरेबर पल्सी, पार्किंस डिजीज आदि में सेहुन का प्रयोग किया जा सकता है। इस बीमारियों में सेहुन के लेटेक्स दूध का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ताज़े दूध को निकाल कर इसका प्रयोग इन रोगों में किया जा सकता है। दांत दर्द में सहायक है सेहुन। दांत दर्द के घरेलू उपाय हेलिकेन तिधारा का प्रयोग एक औषधि के रूप में किया जाता है। दांत दर्द होने पर सेहुन का दूध प्रयोग किया जाता है। इसमें दांत दर्द से जल्द राहत मिलती है। उस दूध को रूई के पोहे से या किसी तेल में मिलाकर आप अपने दांतों में लगा सकते हैं। घाव में कीड़े होने पर घाव के जल्दी ना भरने आदि समस्याओं में सेहुन लाभकारी है। सेहुन के रस को घाव पर लगाने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। सेहुन का प्रयोग नाखूनों में होने वाले घाव को भरने के लिए भी किया जाता है। सेहुन घाव को भरने में अच्छा घरेलू उपाय है। अस्थमा में लाभकारी है। जिन लोगों को सांस से जुड़ी बीमारी जैसे अस्थमा हो जाती है, उन लोगों के लिए सेहुन एक बहुत ही उपयोगी औषधि है। सेहुन के रस का प्रयोग अस्थमा के रोगी कर सकते हैं। सेहुन में लेटेक्स का प्रयोग रोग को गंभीरता देखकर किया जाता है। इसके अधिक अच्छे उपयोग के बारे में अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें। दांत को दूर करता है। अगर आपको त्वचा से संबंधित समस्याएं हो तो सेहुन का प्रयोग किया जा सकता है। सेहुन के रस का प्रयोग दांत पर करें, इससे दांत की समस्या दूर हो जाती है। सेहुन का प्रयोग शरीर के कई रोगों में किया जाता है। इसमें शरीर में दर्द से संबंधित परेशानियां ठीक हो जाती हैं। इसके सही उपयोग के लिए और जानकारी ले लें, फिर उपयोग करें। तो दोस्तों, आज ये थी जानकारी सेहुन और थुहर पौधे की आज के वीडियो में। अच्छी लगी हो तो इसे अपनों में ज़रूर शेयर करें। और नॉलेज फॉर हेल्थ एंड हर्ब्स के लिए यूट्यूब साजिद हसन हेल्थ चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, चलते चलते एक और जरूरी बात, मैं जितने भी हर्ब्स पर वीडियो बनाता हूं उनमें से लगभग 20 से 30% जो हर्ब्स आसानी से मिल जाते हैं उनको मैं प्रोवाइड भी कराता हूं। उनका पाउडर है, उनके चूर्ण है, तो आप जरूरत पर मुझसे मंगा सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।